महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले उद्धव ठाकरे, साथ में पत्नी थी मौजूद। शिष्टाचार मुलाकात में उद्धव ने कोश्यारी को दिया गुलदस्ता, कर लेंगे सीएम पद की शपथ। सभी विधायकों को प्रोटियम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पूर्व सीएम फडणवीस ने ली विधायक की शपथ। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के विधायक आज सुबह पहुंचे विधानसभा, होटलों में कई दिन से ठहरे थे विधायक। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का दिखा बढ़ा कद, विधानसभा में विधायकों का हाथ जोड़कर स्वागत करती दिखाई दी। विधानसभा पहुंचे बड़े भाई अजीत पवार का सुप्रिया सुले ने किया स्वागत, में ली गले खिंचवाई तस्वीर। बड़े भाई अजीत पवार से गले मिलने के बाद सुप्रिया सुले ने छुए उनके पैर। विधानसभा पहुंचे फडणवीस का भी सुप्रिया सुले ने किया स्वागत, हाथ जोड़कर किया अभिवादन, फडणवीस ने अभिवादन का दिया जवाब। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे का सुप्रिया सुले ने किया स्वागत, लगाया गले। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उद्धव ने शरद पवार के पैर छू कर लिया आशीर्वाद। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच आज डिप्टी सीएम और स्पीकर के पद का तय होगा मसला, नामों का हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोरात ने दी जानकारी, होटल में ठहरे विधायकों को जल क्षेत्र में रवाना करने के लिए बदला गया। उद्धव ठाकरे के शपथ का वक्त पहले 1 दिसंबर को होना था समारोह। कल सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस को आज तक का बहुमत साबित करने का दिया था वक्त, फैसला आते ही फडणवीस और अजीत पवार ने मानी हार, शक्ति परीक्षण से पहले छोड़ा पद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई के होटल ट्राइडेंट में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों की हुई बैठक, उद्धव ठाकरे को चुना गया तीनों दल के विधायक दल का नेता। जयंत पाटिल के मुताबिक एनसीपी विधायकों की सूची में अजीत पवार का भी था नाम, लेकिन अजीत के मौजूद नहीं होने से नहीं हुए दस्तखत। अजीत पवार के कल डिप्टी सीएम पद से इस्तीफे के साथ शांत हो गया एनसीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा। होटल ट्राइडेंट के बाहर अजीत पवार की घर वापसी के लिए प्लेकार्ड लिए दिखे समर्थक। बीती रात आखिरकार चाचा भतीजे का हुआ मिलन, मुंबई के सिल्वर ओक स्थित शरद पवार के घर पहुंचे भतीजे अजीत पवार। देर रात शरद पवार के घर हुई बैठक में अजीत पवार के बाद प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, आदित्य ठाकरे, अनिल देसाई भी मिलने पहुंचे। अजीत पवार को कौन सा पद मिलेगा, सवाल के जवाब में बोले छगन भुजबल, इससे अध्यक्ष शरद पवार तय करेंगे। सर, आने वाले सरकार में अजीत पवार की कुछ भूमिका होगी? वो तो पवार साहब तय करते हैं। हाँ, वो तो मुझे नहीं पता, उसके बारे में मैं क्या जानूं। आज राज्यसभा में उठेगा चिटफंड कानून के संशोधन का मुद्दा, सवालों का केंद्रीय मंत्री देंगे जवाब। महाराष्ट्र के सियासी नाटक का हरियाणा विधानसभा में दिखाई दी गूंज, मंत्री अनिल विज और कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी के बीच तीखी बहस। किरण चौधरी ने लगाया आरोप, राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए कुछ लोग उठाते हैं गलत कदम, इसे इरादे से महाराष्ट्र में की गई थी लोकतंत्र की हत्या। मंत्री अनिल विज का किरण चौधरी पर पलटवार, इंदिरा गांधी काल में लगाए गए इमरजेंसी की दिलाई याद, कहा कांग्रेस को संविधान पर बोलने का हक नहीं। कल संविधान दिवस पर बोले पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच हुई जुबानी जंग, राज्यपाल ने कहा पश्चिम बंगाल में संवैधानिक प्रमुख के पद से हुआ गंभीर समझौता। तिहाड़ में पी चिदंबरम से मिलने पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, आईएनएक्स मीडिया केस में जमानत खारिज होने पर हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। इसरो की एक और लंबी छलांग, सैन्य उपग्रह कार्टोसैट 3 का सफल प्रक्षेपण, दुश्मन पर रखेगा पैनी नजर, ये सैटेलाइट जरूरत पड़ने पर सैटेलाइट की मदद से सर्जिकल या एयर स्ट्राइक की जा सकेगी। विधायक अदिति सिंह की सदस्यता समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने भेजा नोटिस, रायबरेली से विधायक हैं अदिति। 21 नवंबर को अयोध्या से निकली श्रीराम की बारात देर रात मधुबनी पहुंची, श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत। 28 नवंबर को नेपाल में श्रीराम की ससुराल जनकपुर पहुंचेगी बारात, बारात के साथ साधु संतों की टोली। समाज सेवी बिंदु अम्बिनी के साथ सबरीमाला मंदिर जाने के लिए निकली तृप्ति देसाई पर कोची में हमला, मिर्च स्प्रे का हुआ इस्तेमाल। हमले के बाद तृप्ति ने बदली सबरीमाला मंदिर जाने की योजना, पुणे वापस लौटी, कर्नाटक सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में देंगी याचिका। केरल सरकार के मंत्री सुरेंद्रन ने तृप्ति देसाई और बिंदु की यात्रा को बताया साजिश का हिस्सा, शांति भंग करना बताया यात्रा का मकसद।